रहे धरना प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य की तरफ से याचिका दायर की गई है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले बता दें आपको कि बीते शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने अर्जियों पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम परेशानी से अवगत हैं, लेकिन आज सुनवाई नहीं होगी। इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी कि 11 फरवरी 2020 को होगी। दरअसल 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान में चलते सुनवाई टाल दी गई थी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि देखते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है। दरअसल वकील अहमित साहनी के अलावा बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग की तरफ से दायर याचिका में शाहीनबाग के बंद पड़े रास्ते को खुलवाने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मसले में हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज द्वारा निगरानी की जाए। इसके साथ दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। बता दें आपको कि याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की हिंसक स्थिति से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी रिटायर जज या हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा इसकी निगरानी की जाए और देश विरोधी बयानबाजी को रोकने के बारे में भी पुलिस को नेताओं आयोजकों और भाषण देने वाले के बयानों पर भी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई भी देश विरोधी हरकत ना हो सके। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।